बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में से है, जिसका नाम है मीडियन। अर्लियर वीडियोस में हम आपके साथ मीन और मोड दोनों डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है, जो बचा हुआ है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी के बाद, मीडियन। मीडियन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मिड वैल्यू। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। अब यूं तो मिड वैल्यू निकालना किसी भी सीरीज में से काफी आसान है, बट कभी कभी सीरीज जब बहुत ही लेंथी होती है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मिड वैल्यू वर्बली बताना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हमारे स्टैटिस्टिक्स में एक टूल है, मीडियन। तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके जरिए आप बड़ी से बड़ी वैल्यूज का भी मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। अगेन, हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। हम जानते हैं, हम तीनों सीरीज के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो पिछले लिंक में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे उनको ये क्लियर हो जाएगा कि ये तीन तरह की सीरीज कौन सी होती है। वैसे भी मैंने आज बोर्ड पे दोबारा से वो तीनों टाइप की सीरीज लिखी है, ऊपर हेडिंग भी लिखी है, तो आपको ये देख के भी पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल कौन सी होती है, डिस्क्रीट कौन सी होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है। अब तीनों ही टाइप ऑफ सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका अलग है, तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मीडियन को अलग अलग सीरीज में निकाला जाता है। अक्सर जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें मीडियन नाइन्थ क्लास में या छोटी क्लासेस में ही पूछा जाता है। हायर क्लासेस में मीडियन जो पूछा जाता है वो ज्यादातर कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही पूछा जाता है। बट टूडे वी आर गोना डिस्कस ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज विद मीडियन। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इंडिविजुअल सीरीज की, हाउ टू फाइंड आउट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। एक इंडिविजुअल सीरीज में आप जानते हैं एक्स वेरिएबल गिवन होता है, जिसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यूज ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, इट कुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इट कुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बट ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मीडियन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करने से पहले आपको एक्स वेरिएबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। आपको कोई जरूरत नहीं है मीन में इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की, आपको मोड में भी कोई जरूरत नहीं है, बट मीडियन एक ऐसा टूल है जिसमें आपको सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसलिए मैं इसको छेड़ूंगी नहीं। अगर ये नहीं होती तो मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता, बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2, 4, 6, 8, 10 एक असेंडिंग ऑर्डर है, तो अब मैं सीधा इस पे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। एक मीडियन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है n+1/2, बट इन केस ऑफ ऑड वैल्यूज। ऑड वैल्यूज हियर मींस व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर एक्स वेरिएबल आर ऑड, 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 वैल्यूज, सो दिस इज एन ऑड वैल्यू, ये एक ऑड वैल्यू है। तो जब चीजें ऑड होती हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है n+1/2। तो अगर मैं n+1/2 लगाऊंगी, तो एज वी नो डेट एन इज 5, सो इफ एन इज 5 तो 5+1/2 लिखूंगी, हेंस 6/2 डेट इज 3। 3 इज नॉट आंसर, आपका 3 मीडियन नहीं है, 3 इज द ऑब्जर्वेशन, इट्स थर्ड ऑब्जर्वेशन, इट्स nth टर्म। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब 6 इज योर आंसर, हेंस मीडियन इज इक्वल टू 6। अब मीडियन अगर 6 आ गया ऑड में, अगर यही इवन होता, तो अगर ये 2, 4, 6, 8 के 10 के बाद अगर यहाँ 12 भी होता, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाते, 6, तो ये इवन हो जाता। तो इवन वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला चेंज होके बनता है n/2 + n/2+1 / 2, और आप इसको सिंपल n/2 करके भी कर सकते हैं। वैसे ये एक जेन्युइन मेथड है, एक ऑथेंटिक मेथड है। अगर हम n/2 लें तो n हमारे यहाँ 6, 6/2 + 6/2+1, आप इसको अलग अलग लेंगे दोनों को, और होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 3+1, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 6 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 8, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इट्स 14/2, दैट इज 7। हेंस इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशन यहां पर हमारा मीडियन आएगा 7। सो आई थिंक इट्स वेरी मच इजी एंड वेरी क्लियर
डेट अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज एन आपके ऑड हो, तो आपका फॉर्मूला बनता है एन प्लस वन बाई टू, और अगर यही ऑब्जर्वेशन इवन हो तो आपका फॉर्मूला बनता है एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन, जो एन टर्म आएगी वो आप एड ऑन करके टू से डिवाइड करेंगे। तो ये था हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना काफी आसान है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमें। अब जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो थोड़ा सा मेथड भी चेंज होगा, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट इज एन प्लस वन बाय टू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जब आपके पास x दिया है और आपके पास f दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप यू नो अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नहीं पता तो आपको समझा देती हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वन बाय वन। दैट मींस फर्स्ट क्यूमुलेटिव सीरीज फ्रीक्वेंसी विल बी 5, देन 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 3 इज 18 एंड 18 प्लस 2 इज 20। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक वैल्यू को एड ऑन करना है। पहली वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद आप एक एक वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, जैसे 20 आपकी लास्ट वैल्यू आई है, वो इस फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इसके सम के बराबर है तो डेट मीन्स यू हैव फाइंड आउट करेक्ट सी एफ। 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 3 18 एंड 2 20। तो हेंस हमारा जो टोटल है वो हमारी लास्ट सी एफ के बराबर है। दैट मीन्स हमारा सी एफ हमने करेक्ट निकाला है। अब हमने सी एफ निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, एन जो कि हमारा टोटल है, हम इसकी वैल्यू एन की जगह पुट करेंगे, प्लस 1 बाय 2, दैट इज 21 बाय 2, इट्स 10.5। तो 10.5 जो है आपका, वो आपका आ गया मीडियन। ठीक है, तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई। ये बहुत सिंपल था। तो ये आपकी जो ये आपकी मीडियन की वैल्यू नहीं आई, ये आपकी nth टर्म आई है 10.5। अब आप क्या करेंगे, 10.5 को देखेंगे सीएफ के अंदर। जब आप इसको सीएफ के अंदर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। जैसे कि 10.5 5 में के बाद आता है बट 11 से पहले आता है, तो 11 के अंदर 10.5 लाई करता है, हेंस 20 इज माय आंसर। तो मीडियन जो है डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके से निकलेगा। अब अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे मूव ऑन करूं, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप देखेंगे कि मैंने सीएफ निकाला है, सेम सीरीज है हमारी, सीएफ निकाला है मैंने, और सीएफ निकालने के बाद मैंने एन बाय टू के फॉर्मूले में इसको पुट किया है। एन बाय टू में जब मैं इसको पुट करूंगी तो ये बनेगा 20/2, दैट इज 10। अब 10 अगेन मेरा लाई करेगा 11 में, और 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स में है मेरा 10/20। जब 10/20 मेरा क्लास इंटरवल आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मीडियन है वो लाई करेगा 10/20 के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे मीडियन लाइज इन 10/20, बट खाली क्या ये लिख देने से हमारा मीडियन का आंसर निकल गया? नहीं, हमें 10/20 के बीच की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो हमारा मीडियन होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला है, जो है एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। दैट मीन्स एल वन इज लोअर लिमिट, एन बाई टू माइनस सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल एंड अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। जब मैं वैल्यू पुट करूंगी आपको समझ आएगा। L1 इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट होती है जो क्लास इंटरवल आया है उसकी पहली वाली लिमिट, दैट इज 10, प्लस n बाय टू, n कितना है 20, तो 20 बाय 2, माइनस CF एक प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, दैट इज 5 आपका यहाँ CF आएगा, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 6, इंटू I इज योर क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच का गैप, दैट इज 10। तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 10, 10 प्लस 25 बाय 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो 18.3 इज योर आंसर। हेंस 18.3 आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, और इससे ये प्रूफ भी होता है क्योंकि हमारा 10/20 के बीच में मीडियन लाई करता है, तो 18.3 भी 10/20 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो हमारा मीडियन का आंसर करेक्ट है।
तो ये जो आज मैंने आपको कराया, ये कराया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के बीच में मीडियन को किस तरीके से निकाला जा सकता है अलग अलग फॉर्मूला से। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आया होगा। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को यूं ही लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।